से उसके यार दोस्त बोलते कभी तो कहीं बाहर चला करो, सबको बोल देता कि नहीं नहीं मुझे कहीं नहीं जाना। एक दिन घर वालों ने ठान ली इस सेठ को बाहर ले जाना है। बच्चों ने सेठ नीचे गया, बच्चों ने खाना पीना छोड़ दिया। रात को सेठ आया, पता चला कि बच्चों ने कुछ नहीं खाया, पानी नहीं पिया। सेठ को अपने बच्चों से, सेठ को दौलत से प्यार था लेकिन बच्चों से भी प्यार था। पसीज गया, बच्चों को उठाया, कहा बेटा जो बोलोगे मैं करूंगा, खाना खा लो। बच्चों ने और पापा ने साथ खाना खाया। बच्चों ने कहा कि दो तीन दिन के लिए हमारे साथ, तीन दिन की छुट्टी है, खाटू जी चलेंगे, सालासर जी चलेंगे, रानी सती दादी के चलेंगे, राजस्थान के सारे मंदिर देवरे करके आएंगे। सेठ ने कहा जो बोलोगे वो करेंगे महाराज, कुछ गलत बोल दूं तो क्षमा करना, आप मैं बच्चा हूं, आप बुजुर्ग हो, आप ज्ञानी हो। इष्ट मित्रों को बुलाया, बड़ी सी लग्जरी एयर कंडीशन गाड़ी मंगाई, सब कोई बैठ गए खाटू जाने के लिए। गाड़ी चल रही है, गाड़ी के अंदर में कोई भजन चला रहा है, कोई कूद रहा है, कोई नाच रहा है, कोई ताली बजा रहा है। सेठ जी मोबाइल पर व्यापार कर रहे हैं। खाटू पहुंच गए, होटल में गए, नहा धोकर नीचे उतरे, कोई चूरमा खरीद रहा है, कोई पेड़ा खरीद रहा है, कोई निशान ले रहा है, कोई इत्र खरीद रहा है, कोई फूल माला खरीद रहा है, कोई पेट पलनिया जा रहा है, कोई छप्पन भोग लेकर थाल जा रहा है। सेठ मोबाइल में ये लिया वो बेचा, ये बेचा वो लिया। मंदिर की सीढ़ी आ गई लेकिन बीबी बगल में चल रही थी। जैसे ही कान में फोन लगाए लगाए सेठ ने पहली सीढ़ी पर कदम रखने की कोशिश की, अचानक सेठ की पत्नी ने झपटका मारा, अरे शर्म करो, कब से कब बाबा का दरबार आ गया, यहां तो छोड़ो अपना कारोबार। सेठ कसमसा कर रह गया, कुछ नहीं बोला, लेकिन जो ही पहली सीढ़ी पर कदम रखा सेठ को झटका लगा। उसे लगा कि कोई करंट लग रहा है। एक एक सीढ़ी चढ़ता गया, खाटू के मंदिर की कितनी सीढ़ियां हैं? 13। जोर से बोलो 13। किस लिए? 13। तुझको अर्पण, अर्पण क्या लागे। सही बात है, 13वीं सीढ़ी पर पहुंचने के बाद में इंसान का मन बदल जाता है, इसका हो जाता है। एक एक सीढ़ी चढ़ता गया, सेठ के भाव बदलते गए। 13वीं सीढ़ी पर पहुंचा, मंदिर खाली था, बस बाबा के सामने खड़ा हुआ, टकटकी लगाकर देख रहा है और लग रहा है कि आज तक जिंदगी के अंदर में जैसे उसने जिंदगी में कुछ ऐसा देखा ही नहीं। आंसुओं की धार बह रही है। घर वाले एक बार, दो बार, तीन बार दर्शन कर लिए, अब घर वाले हाथ पकड़कर खींच रहे हैं, चलना नहीं है क्या? सेठ ने इशारे से कहा तुम जाओ मैं आ रहा हूं। क्या तो सेठ खाने को तैयार नहीं था, क्या सेठ वापस जाने को तैयार नहीं था? दौलत कमाने से बड़ा नशा कोई नशा नहीं है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था। आज आपकी आंखों में झांक कर देखा तो लगा जो नशा आपकी आंखों में है, इस नशे के आगे दुनिया का हर नशा सीखा गया। सेठ ने कहा बाबा मैं अभागा था, इतने वर्षों तक आपके दरबार से दूर रहा, आज मैं आपसे वादा करता हूं हर महीने की 11 को आपके दरबार में आऊंगा। और मैंने सुना है हर महीने की 11 को हर धर्मशाला में कीर्तन होता है, मैं अकेला नहीं आऊंगा, अपने शहर में जो भी आना चाहेगा गाड़ी भर भर कर लेकर आऊंगा। ये वादा करके सेठ निकल गया। सेठ आया, अब सेठ की दिनचर्या बदल गई। सेठ सुबह 6 उठता, नहा धोकर पहले मंदिर जाता, मंदिर देवरे जाता और आकर 10 अपना गल्ला खोलता, भगवान को प्रसाद चढ़ाता, भगवान की आरती करता, अपना गल्ला खोलता और शाम को 6 मंगल कर देता और कीर्तनों में जाता, सत्संग में जाता, 9 घर में आकर खाना खाकर सो जाता। सेठ ने अगले महीने के पहले अपनी बैलेंस शीट दिलाई, जो वो 14-14, 15-15 घंटा खटकर कमाता था, 8 घंटे में 10 गुना ज्यादा उसने कमाया। उसने महीने खाटू जाने लगा, लोगों को पकड़ पकड़ कर ले जाने लगा। 2-4-6 गया, 1 11 को सेठ घर से निकलने लगा, मुनीम ने हाथ पकड़ लिया, सेठ जी कहाँ जा रहे हो? अरे पागल, तुझे पता नहीं आज 11 है, बाबा के दरबार में जाना है। मुनीम ने कहा सेठ जी आपको नहीं मालूम है, कल रात को एक व्यापारी से टेलीफोन आया था, 50 लाख का सौदा है, आपने उस व्यापारी को कहा कि आज शाम को मिलूंगा,
वो 3 घंटे के लिए आएगा, उसके बाद चला जाएगा। आपको खाटू जाना है, आप 4 दिन बाद पूर्णिमा को चले जाए। सेठ ने सोचा है बात को सही है, 4 दिन बाद चले जाऊंगा, 1 दिन तो जाना है। सेठ वही उलझ गए। सेठ व्यापारी के चक्कर में रह गया। 50 लाख का तो सौदा हुआ, लेकिन उस मुल्क को ये नहीं मालूम था कि जो व्यापारी सौदा कर गया वो 50 लाख का था, और जिस दरबार में वादा करके आया था वहां जन्म जन्म का सौदा होने वाला था। पूर्णिमा को फिर कोई व्यापारी आ गया। सेठ ने सोचा कि अगले संडे चला जाऊंगा। फिर कोई व्यापारी आ गया। पूरा महीना निकल गया, 1 महीना निकल गया, 2 महीना, सेठ फिर माया में उलझ गया। 4-6 महीने निकल गए, सेठ खाटू भूल गया, दरबार में उलझ गया। एक रात सेठ सोया, अचानक उसे लगा कि सपने में एक आवाज आई, बाहर है सेठ, तू तो बहुत बड़ा व्यापारी निकला, मैंने तो सोचा था कि मेरा कोई पेदी आया है जो पश्चाताप करने आया है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तू एक सौदागर था, सौदा करने आया था, तुझे दौलत कमाने का बहुत शौक है, जा आज के बाद दौलत कमाना, लेकिन मेरे दरवाजे पर दोबारा नहीं आना। आवाज बंद हो गई, सेठ की आंख खुली, बहुत पछताया, सिर पीटने लगा, मैंने गलती करी। उसने सोचा अभी की अभी गाड़ी उठाऊं और बाबा के दरबार में दौड़ जाऊं, लेकिन बिस्तर से नीचे ही जैसे ही कदम रखा दोनों पांव ने काम करना बंद कर दिया, पैरालिसिस अटैक आ गया। जो सेठ रात को अपने पैरों पर आकर सोया था वो सुबह व्हील चेयर पर आ गया, अपने मकान के बाहर दरवाजे पर बैठा था, दरवाजे के बाहर व्हील चेयर पर बैठा था, एक डाकिया बगल से निकला। सेठ ने डाकिया को आवाज लगाई है, डाकिया तुम तो दिल्ली बंबई कलकत्ता संदेशा ले जाते हो, पहुंचाते हो, क्या मेरा संदेशा खाटू वाले श्याम बाबा के दरबार में पहुंचा दोगे? डाकिया ने कहा भाई मेरा तो काम यही है, इसकी चिट्ठी उधर पहुंचाई, उसका संदेशा उधर पहुंचाया, क्यों नहीं पहुंचाऊं? सब देखिए, डाकिया ने सेठ से क्या कहा, सेठ ने डाकिया को क्या कहा, और डाकिया ने खाटू जाकर खाटू वाले को क्या कहा, और खाटू वाले ने डाकिया को सेठ का जवाब क्या दिया। निवेदन करूंगा सीधे होकर बैठ गए, और इस भजन में एक लाइन प्योर मारवाड़ी है, और मैं मारवाड़ में खड़ा हूँ, राजस्थान में खड़ा हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि हर आदमी इस भाषा को समझेगा। आप अगर अपना संदेशा अगर अपनी हाजिरी खाटू पहुंचाना चाहते हो तो प्रेमियों 22 दिसंबर को 11 है, 21 दिसंबर को 10वीं है, मुझे 21 दिसंबर को बाबा के दरबार में पहुंचना है। मैं इतना ही कर सकता हूं, अगर मैं जिंदा पहुंचा खाटू वाले के दरबार में तो मेरी हाजिरी बाद में लगाऊंगा, आप सबकी हाजिरी बाबा के सब दरबार में। विश्वास यदि है तो निवेदन 5 मिनट बाद नहीं करना, और इस भजन में सब मिलकर करना, काम बने गए। लखदातार की जय हो। Thank you.
Thank you.